नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को जान लेने का। दोस्तों आज देश भर से कुछ बड़ी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, आज लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं उन सभी बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अंत तक जरूर बने रहें। देश को पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार, इन राज्यों में 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन की मियादी 2 दिन बाद खत्म होने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री इसे बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है। वहीं तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की तारीख 14 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। केंद्र सरकार अभी मंथन की मुद्रा में है कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार है, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं जहां लॉकडाउन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। उड़ीसा ने प्रदेश में लॉकडाउन की तारीख 14 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी है। इसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी शैक्षणिक संस्थान 10 जून तक बंद करने के आदेश भी दे दिए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाया जाएगा। वहीं तेलंगाना सरकार ने भी लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। जी दोस्तों, पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संकेत दिए हैं कि कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। 9 अप्रैल को ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा कर दी कि राज्य में लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल के बाद भी जारी रहेंगे। लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने वाला पहला राज्य उड़ीसा ही था, जिसके बाद पंजाब सरकार ने 1 मई तक राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की। वहीं पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ाया जाएगा। तेलंगाना ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला लिया है और सभी स्कूल कॉलेज को 10 जून तक बंद रखने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। दोस्तों ये थी सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए बहुत बड़े फैसले और ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। और दोस्तों घर पर रहें, सुरक्षित रहें।